अब बात करेंगे राहुल गांधी की, जिन पर एक बार फिर से विदेशी धरती पर देश के अपमान का आरोप लगा है। अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पर बयान दिया और इस बयान पर राहुल गांधी घिर गए। बीजेपी उन पर विदेशी धरती पर भारत के अपमान का आरोप लगा रही है। यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल इन इंडिया हु आर एब्सोल्युटली कन्विंस्ड दैट दे नो एवरीथिंग। इनफैक्ट आई थिंक They think maybe they know even more than God. विदेशी धरती पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान पर घिर गए हैं। अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों के बीच स्पीच दे रहे थे। इस दौरान वो पीएम मोदी पर निशाना साधना नहीं भूले। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा, देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें समझा भी सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दें तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि दुनिया कैसे चलती है। That the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so, really, that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease that we have a group of people in India who are absolutely convinced. They know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, you know, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान को देश का अपमान बता रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी देश का अपमान करने में कहां पीछे रहते हैं, भारत को राष्ट्र नहीं राज्यों का संघ मानते हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर वो विदेश जाकर पाना क्या चाहते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की कोशिश तो पीएम मोदी के अपमान की होती है, लेकिन देश का अपमान कर बैठते हैं। देश की बढ़ती साख को विदेश जाकर गिराने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती, और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है, जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। राहुल गांधी के बयान पर एमपी में भी सियासत गर्म है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की जितनी बुद्धि है उतनी बात करेंगे, उन्हें अमेरिका ब्रिटेन ही अच्छा लगता है। राहुल गांधी के जीन्स गुलामी के प्रतीक हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस अमेरिका के राष्ट्रपति पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे हो, उस धरती पर जाकर राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। गृह मंत्री ने कहा कि यह व्यक्ति का नहीं देश का अपमान है। अभी सिडनी के अंदर हुआ, वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम मर जाए तब लोग इतने नहीं आते। ये तो प्रधानमंत्री, ये भारत का प्रधानमंत्री है क्या है कि मोदी के लिए यहां भी पागल है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहा है कि मोदी जी आपकी लोकप्रियता मेरे देश के अंदर बहुत है, इसलिए मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। ये क्या है? राहुल गांधी जी जमीन पर रहिए, सपने देखिए, और अमेरिका और ब्रिटेन और इंग्लैंड ही आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपके जींस में, आपके खून में अभी वही जींस हैं जो गुलामी के प्रतीक के थे। राहुल गांधी जी जो अमेरिका का राष्ट्रपति सप्ताह भर पहले हमारे प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांग रहे हो, और ये सुन के पूरे देश का माथा गर्व से ऊंचा हो रहा हो, उस अमेरिका की धरती पर आप भारत का अपमान कर रहे हैं। ये व्यक्ति का नहीं देश का अपमान होता है, और आप लगातार हर बार अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। थोड़ा विचार करो, अंतर्मुखी हो। देश की जनता है ये, राष्ट्रभक्त जनता है ये, सब समझती है आपकी इन बातों को। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को राहुल गांधी के नाम का फोबिया हो गया है।
उन्होंने कहा कि विदेश में छात्रों को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मैं समझता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी को फोबिया हो गया है राहुल गांधी जी के नाम पर। आश्चर्य की बात है कि जब उनके नेता जाते हैं विदेश में, तब वो नाम करके आते हैं और किस तरह के हालात करके आते हैं, और कांग्रेस के नेता जाते हैं बदनाम करके आते हैं, तो बोलते हैं शर्म आना चाहिए। राहुल गांधी जी को आज पूरे विश्व के अंदर जिस तरह सम्मान के साथ देखा जाता है, अमरीका में विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को संबोधन के लिए बुलाया जा रहा है। राहुल गांधी इससे पहले भी विदेश में जाकर पीएम मोदी पर ऐसे बयान दे चुके हैं, उन पर पहले भी देश के अपमान का आरोप लग चुका है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो भूल गए कि उनका ये भाषण भारत में नहीं हो रहा था, जहां उनके बयान को विपक्ष की राय समझा जाता। वो विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे थे। राहुल गांधी को घेरने का बीजेपी को एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।